और चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान की बात कर लेते हैं। जिन्होंने राहुल गांधी पर बयान दिया तो लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता लगातार उन पर हमलावर हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद से वो लगातार कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर हैं, लेकिन राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस नेता उन पर और ज्यादा हमलावर हैं। राहुल गांधी देश के नंबर वन आतंकी हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट। राहुल गांधी अब सिखों को बांटने में लगे हैं, और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की। राहुल गांधी को देश से ज्यादा प्यार नहीं है। कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं। जी हाँ, यही वो बयान है जिस पर अब सियासी घमासान मचा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू बिहार के भागलपुर पहुंचे तो थे वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन को लेकर, लेकिन उनके राहुल गांधी पर दिए बयान ने सियासी उबाल ला दिया है। पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर वन आतंकी बताया और फिर कहा कि देश के एजेंसियों को उन पर इनाम रखना चाहिए। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट। अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी। इसके बाद तो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। रवनीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पहले मुस्लिमों को भड़का रहे थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब सिखों को बांटने में लग गए। यही वजह है कि देश के बाहर के आतंकी राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की। अब कांग्रेस के राजकुमार पर हमला हुआ तो कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों पर दया आती है। भाजपा में शामिल होने के बाद वो भाजपा पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। तो वहीं तारिक अनवर ने भी कहा कि बिट्टू अभी अभी कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए हैं और वो साबित करना चाहते हैं कि वो भाजपा की विचारधारा का पालन करते हैं और राहुल गांधी के विरोधी हैं, इसीलिए इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। आपने देखा होगा सिंधिया साहब भी इसी तरीके की उलझुल बयान करते रहते थे, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी भी विशेष तौर तरीके से बोलते रहते हैं और ये भी बोलते रहते हैं, और इन सब का एक ही तरीका होता है, उसका कोई सर पैर नहीं होता है। एक युवा लड़का जो मतलब अपना रास्ता खो गया हो और अपनी महत्वाकांक्षा में अपने आप को बर्बाद करता जाए, उसके लिए दया ही कर सकता आदमी और क्या करे। देखिए बिट्टू जी, अभी जुमा 8 दिन हुआ है कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो उस बेचारे का दोष नहीं है। उसको ये साबित करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी पर विवादित बयान देकर रवनीत सिंह बिट्टू ने सियासी घमासान छेड़ दिया और अब कांग्रेस के निशाने पर रवनीत सिंह बिट्टू चौतरफा घिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल में रील बनाने के चक्कर में महिला की जान पर आई बात, पहाड़ी पर खड़े होकर बना रही थी रील, लड़की गंभीर रूप से जख्मी। रायबरेली में डलमऊ गंगा घाट का बढ़ा जलस्तर, 98 मीटर तक पहुंचा नदी का जलस्तर, खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में तीन परिवार के 24 लोग बाढ़ में फंसे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाढ़ से लोगों की बड़ी मुश्किलें। अंतिम संस्कार के लिए न सिलाया गया शव। अयोध्या के सरयू नदी में बड़ा जलस्तर। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिगड़े हालात। अलर्ट मोड पर प्रशासन। कानपुर में मगरमच्छ दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। गांव के लोगों ने खुद ही रस्सी से बांध करके वन विभाग को सौंपा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग थी। कठुआ में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। उधर बारामूला एनकाउंटर का वीडियो आया सामने। जान बचाकर भाग रहे आतंकी को जवानों ने मारी गोली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल बंद हुए। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया बड़ा फैसला। जम्मू के गांधरबल में फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। भाषण के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना लोगों के लिए विनाश का कारण। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की होगी शुरुआत भी। सीएम केजरीवाल से मिलेंगे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दोनों की पहली मुलाकात। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के हो सकती है चर्चा। बरेली में जुलूस के दौरान हुआ बवाल। हिंदू संगठनों ने अंजुमन करो का रास्ता हिंदू समुदाय का आरोप। सावन में मुस्लिम समुदाय ने रोकी थी कांवड़ यात्रा। बरेली में जुलूस रोकने के बाद से तनाव का माहौल। दोनों समुदाय आमने सामने जमकर हुई नारेबाजी। पुलिस बल को तैनात किया गया। राजस्थान के शाहपुरा में हिंदू संगठनों का धरना खत्म। विधायक गोपी चंद मीणा के ऐलान पर धरने से हटे लोग। विधायक गोपी चंद मीणा का बड़ा दावा। कहा साजिश के तहत मस्जिद से हुआ पथराव। अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गणपति पूजन पंडाल कार्यक्रम में दबंगों ने मचाया जमकर उत्पात। पूजा कर रहे लोगों से मारपीट करने का आरोप। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। चंदौली में भेड़िए ने गांव के लोगों पर हमला किया। लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर के एक भेड़िए को मार गिराया। भेड़िए ने बकरी को भी बनाया अपना शिकार। यूपी के भराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी। 11 साल के बच्चे को आदमखोर ने बनाया अपना निशाना। इलाज के लिए बच्चे को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के अम्बेडकर नगर में त्योहारों को लेकर के पुलिस और प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवानों ने किया मार्च। गुजरात के भावनगर में एक अस्पताल के अंदर हुई मारपीट। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। देवरिया में लूटपाट के आरोपी को महिलाओं ने पकड़ करके पिटाई की। महिला से चैन लूट करके भाग रहे थे आरोपी। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से बच्चे की चोरी का वीडियो आया सामने। कपड़े में लपेटकर बच्चे को लेकर फरार हुई महिला। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। झांसी में दो समुदाय के बीच जमकर हुआ विवाद। हंगामा और मारपीट के बाद इलाके में मचा हड़कंप। हिंदू संगठन ने थाने पहुंच करके किया धरना। यूपी के नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर शख्स की गोली मारकर हत्या। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया ढेर। कुछ दिन पहले डकैती की घटना को दिया था अंजाम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार चेन लूटकर मौके से फरार हुआ बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये पूरी वारदात। गोंडा में नदी के तेज बहाव में डूबी 3 महिलाएं। हादसे में 1 महिला की मौत हो गई। 13 साल की बच्ची को बचाने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलवे की संपत्ति बेचने के आरोप में 2 कबाड़ियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरपीएफ ने कबाड़ियों की दुकानों पर मारा था छापा। कुशीनगर में लड़कियों से छेड़खानी करना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपियों को सबक भी सिखाया। रोकर के माफी मांगते दिखाई दिए बदमाश। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त गांधीनगर और अहमदाबाद दो जगह प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अभी इस वक्त प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे हुए हैं।
लगातार प्रयास यही कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में आए, और यही वजह है कि गुजरात इस वक्त प्रधानमंत्री के प्रयासों की वजह से ही गुजरात इस वक्त एक ऐसा राज्य है जहां विदेशों से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। और एक बार फिर इसी तरह से इन्वेस्टर मीट और ऐसे कार्यक्रम के जरिए और ज्यादा निवेश लाने की कोशिश गुजरात में गांधीनगर में, इसके पहले भी जब ऐसे इन्वेस्टर मीट हुई है या इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, गुजरात में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है और गुजरात में उद्योग धंधे या फिर इस तरह से बिजनेस को बढ़ावा मिला है। आप देख रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने इस रीइन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन किया है, साथ ही उन्होंने गुजरात को बड़ी सौगातें भी दी हैं। केवल आज के कार्यक्रम में ही नहीं, इसके पहले भी जब